बच्चे को नहीं पता कि बच्चे को अटेंशन चाहिए, उसको नहीं पता कि वो पॉजिटिव अटेंशन है या वो नेगेटिव अटेंशन है. अगर छोटा बच्चा पानी गिरा रहा है ना और आप फौरन उसकी तरफ मुतवज्जा हो गए तो वो गिराता रहेगा. आपको इग्नोर करना है नेगेटिव बिहेवियर. अब ये होता है कि मेहमान घर में है और वो कोई चीज़ फेंक रहा है या कुछ कर रहा है, वो तो अटेंशन के लिए कर रहा है और उसको अटेंशन मिल जाती है फौरन, क्योंकि सब कहते हैं ओ स्टॉप डोंट डू दैट या नहीं करो या जो भी, तो उसका मकसद तो पूरा हो रहा है तो वो तो ही कीप डूइंग इट. दैट्स एक्चुअली मोर एनकरेजिंग. और हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि मैं मना कर रही हूँ और मैंने 10 दफा मना करा है, देखो फिर भी ऐसे कर रहा है, एंड नाउ यू नो आई हैव द राइट टू हिट या स्क्रीम. तो आपने मना किया, आपने एक्सप्लेन नहीं किया. अब मैं जिस तरह कहती हूँ कि बच्चा पानी गिराया तो आपने ये नहीं कहना कि नहीं गिराना, आपने ये बताना कि कारपेट वेट होगा या स्मेल आएगी या टॉवल गंदा हो जाएगा. यू नो एक्सप्लेन कोई नहीं करता, हम सिर्फ मना करते हैं और अपना काम कहते हैं बस 10 दफा मना कर दिया अब तो और कैसे मना करें या कितना मना करें. सो दिस इज वाई आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट दैट वी एजुकेट आवर मदर्स कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आई थिंक कि माँ को, बिकॉज इन दी एंड अगर उसको पता ही नहीं है माँ बेचारी को तो वो फिर जान पूछ के तो नहीं करे ना, शी विल जस्ट डू डैमेज. डैमेज तो हो रहा है, डैमेज इज बीइंग डन और वो फिर होता रहेगा. जो घर पर मार खा रहे हैं अगेन, जो तकलीफ में होते हैं वो तकलीफ देते हैं, वही जो आपने बात की. तो सो यू सेड फर्स्ट यू सेड के अनकंडीशनल लव, देन यू सेड रिस्पेक्ट. कैन यू एलैबोरेट ऑन द रिस्पेक्ट वाला पार्ट ऑफ इट? रिस्पेक्ट देखें, आपने अपने बच्चे को जिंदगी में जहां भी पहुंचाना है ना आपने वो इज्जत उसको आज से देनी है. ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा बेटा बैठा हुआ है और मेरी बहन और मैं कहूँ उठो बाहर जाओ. मतलब आप ये बात आराम से भी तो कह सकते ना कि बेटा जरा खड़े हो जाओ या खाला को जगह दे दो. मैं आई वेंट टू द पासपोर्ट ऑफिस और एंट्रेंस पे बिल्कुल हम बैठे हुए थे, मी एंड माई सन वॉज सिटिंग विद मी. अब यू नो बहुत सारी जगह खाली भी थी, ऐसा नहीं था कि कोई सीट नहीं थी, बट लाइक लिटरली आई हैव टू टेल 4 पीपल कि ही इज सिटिंग एंड ही इज अ किड. यू नो दे कम एंड दे से खड़े हो बेटा जगह दे दो, और जगह खाली भी है आप आगे जाके देख तो लेना. बच्चे को लोग इसी तरह समझते हैं कि यू नो बच्चा है तो इज्जत के रिस्पेक्ट तो देने से मिलती है. बिकॉज़ वो हमारे कल्चर में ना कि रिस्पेक्ट सिर्फ बड़ों के लिए, व्हिच इज रिस्पेक्ट फॉर ऑल. बिल्कुल, आप तू तड़ाक से बात कर लें, आप ऊंचा बात कर लें, आप जिस तरह बिहेव कर लें, और अपॉलोजी अगर मैं समझती हूँ बिल्कुल हम इंसान हैं, हम बहुत सारी चीज़ों से गुजर रहे होते हैं, स्पेशली वर्किंग मदर्स जो हैं हमारी, स्टे एट होम मदर्स जो हैं, सबकी कितनी स्ट्रगल्स होती हैं. तो इट्स ओके अगर वंस इन अ वाइल आप कर भी दें, लेकिन माफ़ी बहुत ज़रूरी है. और माफ़ी इस तरह नहीं मांगनी कि तुमने ये किया था ना इसलिए मुझे गुस्सा आ गया, नहीं मुझे गुस्सा आया और मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, आई एम वेरी सॉरी. जेन्युइन अपॉलॉजी, जेन्युइन अपॉलॉजी, यू नो टेक द रिस्पॉन्स. और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम अपने बच्चों को सिखाएं माफी मांगना. तो माफी मांग कर ही माफी मांगना सिखा सकते हैं. और जो हमारे कल्चर में बहुत नेगेटिव वो है कि पता नहीं सॉरी तो क्या ही समझते हैं हम, जबकि बहुत अच्छी ये एक सीख है जो हम अपने बच्चों को दे सकते हैं कि हम खुद बोल के ही सिखाएंगे ना कि माफी कोई मसला नहीं है, कोई गलती हो गई just apologize, big deal. forgiveness, teaching them forgiveness. asking for forgiveness and forgiving. बिल्कुल. it's important. accepting your mistake. वो जो एक उससे ही उनका conscience भी develop होगा towards something that is wrong. it's okay to make mistakes. जैसे मैं अगर कुछ हो जाता तो my son always tells my daughter it's okay to make mistakes because he's learned it from you. it's okay to we all make mistakes we all make mistakes that's what I say. It's okay.